ओके ब्रो, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग की फिल्म आ रही है मिरर गेम्स 2 जून, जो कि दिखा हुआ है कि हमने ट्रेलर में भी देखा, एक खेल जो कि कुछ खेल ऐसा है जो शुरू होने वाला है। तो आप लोगों से जानना चाहेंगे कि 2 जून को वो ऐसा कौन सा खेल सिनेमा में आने वाला है जो आप लोग धमाका करने वाले हैं? अगर लेट्स फर्स्ट, हम एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। क्या एक दूसरे के साथ खेलने वाले हैं आप लोग? जी, हमारी फिल्म 2 जून को आ रही है और ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। और इसकी ख़ास बात ये है कि काफ़ी इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट है, एंड तक ग्रिप रहता है इंसान के क्या हो रहा है फिल्म में, और जो आप सोचते हो उससे हटके होता है। हर प्लॉट पॉइंट पे ऐसी चीज़ हो जाएगी जिससे जो आपने सोचा नहीं था वो हो जाती है। आई थिंक आई गेव टू मच अवे। धमाका हो जाएगा, धमाका होता है हर प्लॉट पॉइंट पे। था साउंड इफेक्ट था। खेल की बात कर रही है आपको, सिर्फ खेल की बात कर रही है। ऑफ कोर्स, ये काफी एंटरटेनिंग स्क्रिप्ट है, और जैसे कि पूजा जी ने बताया, इसमें काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो कि व्यूअर को हमेशा होल्ड करके रखती हैं। और ये स्मार्ट स्क्रिप्ट है, लेकिन बहुत ही एंटरटेनिंग स्क्रिप्ट है, ओवर स्मार्ट नहीं है। मेरे ख्याल से कुछ स्क्रिप्टें ओवर स्मार्ट हो जाती हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता। तो दिस इज़ नॉट एन ओवर स्मार्ट स्क्रिप्ट, ये हमेशा लोगों को साथ में, लेकिन एक स्टेप लोगों से आगे रहती है ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। जी, क्योंकि आप दोनों का किरदार तो बहुत ही अच्छा है रियल लाइफ में अगर बात करें, लेकिन फिल्मों में अगर बात करें तो क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग, किस तरह का किरदार होने वाला है और कैसा रहा एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ में काम करते हैं? मेरा जो किरदार है वो पुलिस साइकोलॉजिस्ट का है, और डॉक्टर रॉय, आई प्ले डॉक्टर रॉय ऑन स्क्रीन। एंड मैंने ऐसा कभी रोल प्ले नहीं किया किसी मूवी में, ना ही मैंने कोई ऐसी मूवी की है आज तक जो थ्रिलर हो, ये जॉनरा की फिल्म मैंने कभी नहीं की थी। और मेरा पहला जो सीन था वो 6 पेज सीन था विद हेमजा, मैं इनकी इंटेरोगेशन ले रही हूँ, और वो इतना इंटरेस्टिंग सीन हो जाता है कि इनको इंटेरोगेट करते करते ये मुझे इंटेरोगेट करने लग जाते हैं थोड़ी देर में, एंड देन यू रियलाइज कि मैं कितनी इन्वॉल्व हो जाती हूँ ये केस में सॉल्व करने के लिए। सो इट वाज इंटरेस्टिंग, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज फेसिंग कैमरा विद प्रवीण, एंड इट वाज रियली फन वर्किंग ऑन दैट सीन विद हिम। मेरे भी काफ़ी फन था, सो बट इट वॉज़ अ ग्रेट फन वर्किंग विद पूजा। जो मेरा किरदार है वो एक प्रोफेसर है साइकोलॉजी का, लेकिन उसका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन पर्सनल लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है। उसकी बीवी उसको डिवोर्स करना चाहती है, एंड उसकी वजह से ये क्या कदम उठाता है, यू कैन से ऑलमोस्ट कि कुछ लोगों को एज अ मोहरा यूज़ करना शुरू करता है। एंड एक इसका शतरंज का गेम भी एक स्टूडेंट के साथ चलता है, जिसमें गेम और जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं वो थोड़े से सिमिलर होने लगते हैं। पूजा जी, क्योंकि आपने बताया कि ये आपकी लाइफ का पहला ऐसा किरदार है जो आप इस तरह से कर रही हैं, क्योंकि हर एक एक्टर की चाहत होती है कि सब कुछ करना, या जितना मेरा नॉलेज है कि हर सब कुछ करना चाहिए, थ्रिलर हो एक्शन हो। जब आपको बताया गया कि थ्रिलर करना है तो क्या कुछ फीलिंग थी आपकी, क्या कुछ नर्वस थी, या थ्रिलर को लेकर क्या कुछ देख है आपको? ऐसा रोल जैसे मैंने, एक्टर्स चाहते हैं कि हर एक फिल्म में डिफरेंट रोल प्ले करें, डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करें, तो मज़ा आता है एक्टिंग करने का, क्योंकि फिर आप किसी और के, मतलब आप मॉर्फ हो सकते हैं किसी और के कैरेक्टर में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये रोल, और मुझे बहुत अच्छी लगी स्क्रिप्ट, तो आई वॉज एक्साइटेड टू डू इट, बिकॉज ऐसी फिल्में ज़्यादा बनती नहीं हैं, थ्रिलर्स इंडिया में ज़्यादा नहीं बनती, सो यू नो आई वॉन्टेड टू प्ले डॉक्टर रॉय। सो प्रवीण जी, क्योंकि हम इसे साइको थ्रिलर भी कह सकते हैं, तो हमने एक जो प्रॉब्लम देखी हिंदुस्तान में स्टूडेंट के अंदर, ये सारी ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती है, अगर करेक्ट, तो स्टूडेंट्स को या इस फिल्म के जरिए स्टूडेंट्स को या जो भी साइको थ्रिलर का जो भी इसका है, तो उन्हें क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस फिल्म के जरिए? कि यही कहेंगे कि आजकल प्रेशर काफ़ी पड़ता है स्टूडेंट्स पे, तो वो प्रेशर मत लीजिए।